अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिल्फाज वर्ल्ड। सो आज का छोटा सा व्लॉग ये है कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। मेरे पास पूरा टाइम नहीं था कि मैं पूरा शिफ्टिंग निकाल पाऊँ, सो ये छोटा सा ग्लिम्सिंग हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो आगे आप देखेंगे छोटा सा ग्लिम्सिंग वीडियोस। पूरा निकालने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फतेह है तो फतेह को लेके, बेबी को रख के पूरा वीडियो शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल था, तो छोटा छोटा वीडियो ही निकाले। और तो हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सब फिक्स, सब कुछ फिक्स हो गया। पलंग कबोर्ड के कपड़े वगैरह सब कुछ हो चुका है, थोड़े थोड़े सामान बचा है। ऑलमोस्ट 80% शिफ्ट हो चुका है। आगे आप वीडियो में देखिए, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फता ये वीडियो शिफ्टिंग के दिन निकालने की वजह से बहुत ही मेस है, घर बहुत मेसी पड़ा है, देख सकते हो आप। शिफ्टिंग की वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी है। ऑलमोस्ट जैसे भी पैकिंग सब हो चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है जिसे समेटना है। ये सब लेके जाने वाले थिंग्स है जिसको हमने सब समेट के रखा है। हम लोग सुबह ही शिफ्टिंग करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट में टेम्पो ही नहीं मिला। फिर एट लास्ट हम लोग को टेम्पो मिला और हम लोग शाम में शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिए। वैसे तो सेम ही एरिया में मिला है घर, 5 मिनट की दूरी पे ही है घर जो अभी हम लोग ने शिफ्ट किए हैं, तो सामान को शिफ्ट करने में इतना मुश्किल नहीं था। बॉक्स में टेप नहीं मारे। काम तो शिफ्टिंग के बाद ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट डे हम लोग एक एक करके सब जगह का सेट करने लगे। घर शिफ्ट करने के टाइम पे 2-3 घंटे में सब कुछ समेट लिए थे, बट जब वापस दोबारा सब सेट करने के लिए 2 से 3 दिन लग गया था। मम्मी यहाँ पे किचन का सेट कर रहे हैं। एंड बाकी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, अभी भी रूम थोड़ा सा मेस है एंड कुछ सेट करना बाकी है बस। इम्पोर्टेंट जो है मुझे फतेह का कबोर्ड सेट करने में लगा। ये जितने भी कपड़े हैं सब नए हैं, अभी तक एक भी नहीं पहना है उसने, सब गिफ्टेड है। और ये उसका पैम्पर्स है, इसका डेली वेयर, इसके नैपकिन्स, इस तरफ उसके जो भी बाहर जाने वाले फोल्डिंग ड्रेस, ऑलमोस्ट उसका पूरा सेट कर चुकी हूँ। हे गाइस, सो अभी हम लोग नए घर पे शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट सब सेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सेट हो चुका है। सो अभी घर पे पहली बार एंट्री करते हैं, तो हम लोग के यहाँ पे रिवाज होता है पाल काचल, जैसे कि वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उसको बोलते हैं दूध उबालना। घर पे नए घर पे जाए तो दूध उबालते हैं, तो आज वही सेरेमनी है। सिंपल है, किसी को नहीं बुलाया है, कुछ भी नहीं है, एकदम घर टू घर, एकदम सिर्फ मैं, फैमिली और नानी आएंगे और कोई भी नहीं, सिंपल एकदम। घर के किचन में पहली बार कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैं सोची स्वीटी बना देते, कुछ मीठा बनाते हैं। यहाँ पे मैं अभी दूध उबालने के लिए रखी हूँ, इस दूध में मैं अभी शिरकुरमा बनाने जा रही हूँ। तो मेरा शिरकुरमा अभी रेडी है, मम्मी और नानी वेट कर रहे हैं, सो मैं इसको फटाक से अभी मम्मी और नानी को सर्व करके आती हूँ। ये हमारा फर्स्ट प्रोमो वीडियो है, कस्टमाइज करके हम लोग ने बनवाया है, आपको दिखाएंगे कैसा अभी आया है। ओपन ही की हूँ आज, अभी सबके सामने ओपन करने वाली। माशाल्लाह पैकिंग बहुत ही मस्त है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसको ओपन करके बताती हूँ आप लोग को, आप भी इनके इंस्टा के आईडी पे चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे देती हूँ। इनके पास और भी डिज़ाइंस ऑप्शंस है, एज योर रिक्वायरमेंट वो बनाएंगे, कस्टमाइज है फुल्ली।
एंड आपको अगर कोड यूज़ करना हो तो सुल्फास 10 यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट मिलेगा आपको उसमें भी। वाह माशाल्लाह बहुत प्रीटी लग रहा है। बेबी का थीम उसने ब्लू रखा है, मैं फतेह के लिए बनवाई हूँ, दिखाती हूँ। इसने पुल पहले ही दे चुकी थी बट मेरे को खोलने को टाइम नहीं मिला शिफ्टिंग की वजह से, सॉरी फॉर लेट दिखाने के लिए। ये टोटली कस्टमाइज है, सब आइडिया मेरा था बट उसने बहुत अच्छे से जैसा मैंने बोली वैसे ही बना है। आई टोटली लव इट, माशाल्लाह बहुत प्रिटी है। इसका आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आपको किसी को चाहिए हो तो सुल्फा स्कैन करके कोड यूज़ कर सकते हैं, मुझे भी डीएम कर सकते हैं या तो डायरेक्टली आप नेटफ्लिक्स पे भी डीएम कर सकते हो। बताइए आप भी कमेंट में कैसा लगा मैं बेबी का लुक। सो यहाँ पे हमारा छोटा सा जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अंटिल देन बाय।